ऑल राइट, ये है नार्जो 20 प्रो, 14999 इसकी प्राइस है। इस स्मार्टफोन को आपको बाय करना चाहिए या फिर बाय कर देना चाहिए, चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और आज इस वीडियो में मैं आपको नार्जो 20 प्रो का एक रिव्यू देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या आपको ये खरीदना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो 14999 में आपको इस फोन में बढ़िया डिस्प्ले दे रखा है। 6.5 इंच की आपको FHD प्लस डिस्प्ले दे रखा है, IPS LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दे रखा है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो दे रखा है, 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। सो डिस्प्ले वाइज आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, जितना भी मैंने टेस्ट किया है कलर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, विंग एंगल भी इस फोन में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो फोन है ब्राइट है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, 480 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखी है, तो डिस्प्ले मैं कहूंगा इनफ है, ब्राइट है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इज गुड, फोन में आपको पॉली कार्बोनेट बैग दे रखी है, प्लास्टिक बैग दे रखी है जो ग्लास फिनिश के साथ आता है, जो देखने में बिल्कुल ग्लास बैग जैसा दिखाई देता है। जो डिजाइन है वो मैं कहूंगा डिसेंट है यहाँ पर, बट यस अगर मैं बात करूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की तो मैं आपको बता दूँ टेस्टिंग के दौरान इस फोन को मैंने बिना कवर के यहाँ पे यूज किया है, एंड सच बताऊँ तो आई हैवंट सीन एनी सिंगल स्क्रैच, यस अभी तक मुझे कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिला। बस स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो यहां पर कवर का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बैक साइड पॉलीकार्बोनेट का है एंड स्क्रैचेस आने के चांसेस पॉलीकार्बोनेट में ज्यादा होते हैं। फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है परफेक्टली वर्क करता है, फेस अनलॉक फीचर भी फास्ट है, स्पीकर साउंड आउटपुट गुड, नेटवर्क कॉल क्वालिटी इज गुड, 3.5 mm से आउटपुट इज गुड। रियर में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दे रखा है। और अगर मैं कैमरे की बात करूं आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, तो आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में जो फोटोज निकल के आते हैं नॉर्मल मोड से यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड से वो काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। हाँ कुछ कुछ लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा मुझे ओवरऑल फोटोज में यहाँ पर ओवर सैचुरेशन देखने को मिला, बाकी 48 मेगापिक्सल के हिसाब से जो डिटेलिंग है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। डायनेमिक रेंज में यहाँ पर मुझे बढ़िया देखने को मिला, तभी फोटोज लिए हैं यहाँ पर इंडोर लाइटिंग कंडीशन में अच्छे ही निकल के आए हैं। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि यस इस फोन का रियर कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फोन से आप 720p, 1080p और 4K तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps और 1080p, 30fps और 60fps पर आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, और वीडियो की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। हल्की सी यहाँ पर डिटेलिंग और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बाकी ओवरऑल वीडियोज़ में यहाँ पर जो कलर से अच्छे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया मैं कहूँगा। फोन में आपको फ्रंट में जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है सोनी IMX471 सेंसर के साथ, इससे सच बताओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। मैंने जितने भी फोटोज लिए हैं स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आउटडोर लाइटिंग कंडीशन की, यू कैन सी द सैंपल, सैंपल में आप देख सकते हो डिटेलिंग इनफ देखने को मिल जाती है, जो स्किन टोन है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ओवरऑल जो सेल्फीज है आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में बढ़िया निकल के आते हैं। लेकिन मैं इंडोर लाइटिंग कंडीशन में सच बताऊं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हूं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा निकला यहां पर। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में जो फोटोज निकल के आते हैं सेल्फीज निकल के आते हैं काफी बढ़िया यहां पर। हाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो स्किन है वो थोड़ा सा वाइट कर देता है, बाकी डिटेलिंग के मामले में यहाँ पर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितने भी सेल्फीज़ लिए हैं यहाँ पर जो स्किन टोन है यहाँ पर ओवरऑल सेल्फीज निकल के आते हैं वो अट्रैक्टिव देखने को लगते हैं। सो मेरे तरफ से सेल्फी के लिए एक थम्स अप, इस प्राइस पॉइंट पर सेल्फी काफ़ी बढ़िया दे रखा है इस फोन में। एंड हाँ थम्स अप से याद आया, अटेंडेंस का टाइम हो चुका है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, आई नो कर दिया होगा बट फिर भी नहीं करा भूल के भी, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, फ्री है। फोन में आपको मिलीटेक हीलियो G95 प्रोसेसर दे रखा है, 6GB की रैम दे रखी है बेस वेरिएंट के साथ और 64GB का स्टोरेज दे रखा है, और जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X रैम और जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.1। और परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा कि ये जो प्रोसेसर है मिलीटेक हीलियो G95 वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मैं कहूँगा अंडर 15,000 रुपीज़ में। यस जो G95 प्रोसेसर है बहुत ही पावरफुल है, आप यहाँ पर Geekbench स्कोर भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं, और अगर मैं डेली लाइफ फीचर्स की बात करूँ कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग भी आप इसमें ज़बरदस्त कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अंडर 15,000 रुपीज़ में ये जो फ़ोन है वन ऑफ द बेस्ट मैं गेमिंग स्मार्टफोन कहूँगा, जहाँ पर आप ज़बरदस्त गेमिंग कर सकते हैं। खैर पबजी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, पबजी बैन है, बट या जितने भी मैंने दूसरे गेम खेले यहाँ पर जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या फिर कार रेसिंग गेम हो गया, मुझे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिला इस फोन में बढ़िया देखने को मिला। इनफैक्ट जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर चल रहा था मक्खन की तरह, कोई लैग नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिला मैक्स सेटिंग में भी।
फ़ोन की जो बेस्ट चीज़ लगती है वो है इसका 65 वॉट वाला फास्ट चार्जर। 4500 mAh की आपको बैटरी दे रखी है और आपको बॉक्स में ही 65 वॉट वाला आपको सुपर डर्ट चार्जर दे रखा है। सच बताओ दोस्तों, इस फ़ोन का जो मेन USP है वो है इसका 65 वॉट वाला फास्ट चार्जर। मतलब 15,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पे कौन प्रोवाइड करता है यार 65 वॉट वाला फास्ट चार्जर। वेल, बैटरी बैकअप की बात करो तो यस, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पर हैवी यूसेज में यहाँ पर आपको फ़ोन में यहाँ पर फ़ोन को दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है, बट मैं इतना हैवी यूज़र नहीं हूँ तो एक दिन मुझे ईजिली यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल गया। चार्जिंग स्पीड फ़ोन में आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। 0 to 100% जो फ़ोन है करीब वो 45 मिनट या फिर कह लो 44 मिनट या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर 40 से 45 मिनट के बीच में जो फ़ोन है वो 100% चार्ज होता है। मतलब एक घंटे से भी बहुत ही कम समय लेता है फोन को फुली चार्ज करने के लिए। तो ये चीज़ एक मैं कहूँगा इनसेन है इस फोन में। बाकी फोन में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट दे रखा है, जैसे मैग्नेटिक हो गया, लाइट सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, जायरो हो गया, एक्सेलरेशन सेंसर हो गया एक्सेट्रा। एंड हाँ, ये फोन आता है रियलमी UI के साथ जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस है। अब आते हैं हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पे, आखिर में कैसा स्मार्टफोन है ये। वेल दोस्तों, फ़ोन को जितना भी टेस्ट किया है, जैसे फीचर्स मिलते हैं और जो इसकी प्राइस रखी गई है 14999, आई एम वेरी इंप्रेस। स्पेशली 14999 में आपको जो पावरफुल प्रोसेसर दे रखा है, हाई रिफ्रेश रेट दे रखा है एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो 65 वॉट का फास्ट चार्जर दे रखा है, ये एक मेन चीज़ है। मैं कहूँगा एक USP है इस फ़ोन की जो किसी दूसरे स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। सो या इतना मैं कह सकता हूँ कि अंडर 15,000 रुपीज़ में ये जो नार्जो 20 प्रो है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मैं कहूँगा अंडर 15,000 रुपीज़ में। 15,000 की प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट स्मार्टफोन की कैटेगरी में ज़रूर ऐड होता है। और हाँ, अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं इस फ़ोन में तो आप गेमिंग भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं इस फ़ोन में। एंड हाँ, अगर आपको सेल्फीज़ लेना पसंद है वो भी आपको इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। सो ये था दोस्तों एक कंप्लीट रियलमी नार्जो 20 प्रो। अब आप लोग क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन को लेके, क्या है आपके ओपिनियन, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो, ये भी जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक लाइक नहीं करा, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज जाके ट्वीट करके पूछ सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो। चलो मिलता हूँ मैं आपको वहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय।